नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज़। सरी नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना महामारी के कारण हर वर्ष की भांति लगने वाले कपिलवस्तु महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया। जनपद की एक परंपरा जो वर्षों से चली आ रही थी, महामारी के कारण छूट गया था, लेकिन महामारी नियंत्रण में आने पर परंपरा टूटने न पाए इसके मद्देनजर कपिलवस्तु महोत्सव आयोजन समिति ने महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया है। चुनाव के दृष्टिकोण को देखते हुए ये परंपरा केवल 3 दिन के लिए निभाया जा रहा है, जिससे ये परंपरा बनी रहे। ये कार्यक्रम 13 मार्च 2021 से 15 मार्च तक चलेगी। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें स्थानीय भोजपुरी कलाकारों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर के बॉलीवुड कलाकार के अलावा कवि सम्मेलन का आयोजन होना सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही जिले धरोहर काला नमक प्रदर्शनी और गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। जिला स्तरीय विशेषज्ञ भी प्रतिभाग करेंगे। इसके अतिरिक्त झूला मेला, सेल्फी पॉइंट, मीना बाजार, पुस्तक मेला, फूड जोन, कृषि आर्ट गैलरी, शिल्प जोन, कार्मेसियल जोन 7 दिनों तक चलेगा। हर वर्ष यहाँ पे मनाया जाता है, यहाँ की सांस्कृतिक और कल्चरल हेरिटेज को दिखाने के लिए भी और प्रिजर्व करने के लिए भी उसका आयोजन इस बार हम 2020 में दिसंबर या नवंबर में जनरली होते हैं, तो नहीं कर पाए थे कोविड की वजह से। तो अभी कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमने प्लान किया है कि इसको मार्च में 13, 14, 15 मार्च को ये 3 दिन का आयोजन करवाया जाए। और इसमें स्पेशली फोकस रहेगा इस आयोजन में कि मनोरंजन के साथ बाकी की जितने भी हम मेजर गोष्ठी और सेमिनार जनपद सिद्धार्थनगर से रिलेटेड हो, तो चाहे पर्यटन को बढ़ावा देना हो, चाहे यहाँ बूढ़ी यूपी को लेकर काला नमक चावल को लेकर उसका बढ़ावा देना हो, या लोकल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना हो, तो उनके सभी प्रोग्राम्स और सभी उनके आयोजन किए जाएंगे। प्रदर्शनी और बच्चों के लिए सभी साइंस एग्जीबिशंस या जो भी बच्चों के लिए इवेंट्स होंगे उनको भी ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। स्पोर्ट्स के भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे और वो हम 7 दिन तक करेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो 3 दिन का मेनली कल्चरल प्रोग्राम और गोष्ठी होंगी। तो अभी रूपरेखा यही है, जैसे जैसे ये कॉन्क्रीट होगा हमारी तरफ से, आयोजन समिति की तरफ से आपको उसको समय समय पर सूचित कर दिया जाएगा। और हमारी तरफ से आपसे बस यही विनम्र निवेदन है कि अगर पब्लिक की तरफ से पहले भी फीडबैक लेके हम लोगों ने कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया है, और भी जो फीडबैक्स हैं वो हमें लगातार देते रहें, जिसकी वजह से हम इस आयोजन को और सफलता को पहुँचा। अभी कितने लोग फाइनलाइज हुए सर आने वाले कलाकारों? देखिए, कुछ कुछ चीज़ें फाइनलाइज हुई हैं और हमने कुछ जैसे कल्चरल आर्टिस्ट कुछ फाइनलाइज की हैं, कि जैसे आपके कवि सम्मेलन फाइनलाइज हुआ है जिनमें कुमार विश्वास जी को आमंत्रित किया गया है, आपके हेमा मालिनी जी को आमंत्रण दिया गया है, आपके भोजपुरी के लिए मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी को आमंत्रित किया गया है, और भी कुछ कलाकारों से बात चल रही है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें फाइनलाइज होती है आपको।